से हम चलते हैं। सबसे पहले डे टू डे फीस रिकॉर्ड कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक सिंगल फी क्यूरी तो बना रखी है, जिसमें सिंगल फी क्यूरी का डेटा हमसे ले रहा है और इसी का डेट टू डेट बनाना है, ठीक है। तो अब अगर हम सिंगल फी क्यूरी की डिजाइन व्यू लें या सिंगल फी क्यूरी को दोबारा से बनाते हैं, चले आपको समझाने के लिए क्यूरी विजार्ड में जाते हैं, सिंपल क्यूरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पहले जी आर रजिस्टर पे चले जाते हैं और जी आर रजिस्टर में से हमें उसका रोल नंबर चाहिए और इसके अलावा हमें उसका फुल नेम, हाँ फुल नेम चाहिए, जी आर नंबर चाहिए, फुल नेम चाहिए, फादर्स नेम चाहिए और यहाँ पे उसका क्लास का डेटा चाहिए। ये डेटा यहाँ से चाहिए, बाकी रिसिप्ट वाले रजिस्टर में टीबीएल फी रजिस्टर में से हमें सारी एंट्रीज ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये सारा लेके डेटा हमने यहाँ से नेक्स्ट किया तो ओके, ये बता रहा है कि इसमें रिलेशन नहीं है। रिलेशनशिप पे जाते हैं, टीबीएल फी रजिस्टर का रिलेशन जीआर रजिस्टर के साथ बना हुआ तो है, अच्छा इसका रिलेशन इसके साथ बना हुआ है, चलो बना देते हैं इसका रिलेशन। यहाँ से हम क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, जीआर रजिस्टर की फील्ड लेंगे रोल नंबर और वो फील्ड अवेलेबल होनी चाहिए फी रजिस्टर के अंदर जाके, टीबीएल फी रजिस्टर में रोल नंबर के साथ, ठीक है ओके कर देते हैं और ये एक रिलेशन क्रिएट हो गया। अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, सेव कर देते हैं। तो अभी जो हम क्यूरी बना रहे थे वो सेव ही नहीं हुई, दोबारा से बनाते हैं क्रिएट और यहाँ से हम जाते हैं क्यूरी विजार्ड और यहाँ पे क्लिक करके सिंपल क्यूरी और यहाँ से पहले जी आर रजिस्टर से एंट्री ले लेते हैं, यहाँ से रोल नंबर, जी आर नंबर और फुल नेम, फादर नेम, इन विच क्लास एडमिटेड का डेटा हमने यहाँ पे ले लिया, नेक्स्ट कर दिया और फीस रजिस्टर में से सारा डेटा ले लिया, फीस रजिस्टर हमारा ये रहा टीबीएल फीस रजिस्टर, यहाँ पे ऐड किया, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हमने लिख दिया फी डेट टू डेट फी रिकॉर्ड्स डेट टू डेट फिनिश। तो ये हमारी क्यूरी आ गई और इसका डेटा आ गया कि कितने जी आर रजिस्टर पे कौन कौन सी रसीदें कटी हैं, तो सारा मामला आ रहा है। कुछ फीस हमें मिली है कौन से महीने में, नवंबर में, और कुछ मिली है दिसंबर में, ठीक है, जिसमें नॉट एप्लीकेबल आ रहा है वो एडमिशन फीस है। हमें कुछ और रिकॉर्ड भी डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब ये जो हमने बनाया है फी रिकॉर्ड डेट टू डेट, इसकी बनाएंगे रिकॉर्ड, क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम सारी फील्ड्स को ऐड करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, जी आर रजिस्टर की एंट्रीज ऊपर आएंगी जैसे होता है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे स्टैक एंड लैंडस्केप पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट करके एंड देन कहेंगे फी रिपोर्ट डेट टू डेट, ठीक है, फ्रेश कर देंगे। ये लीजिए डेटा इसमें आ गया, पर अभी ये सारा ही डेटा आ रहा होगा, इसके अंदर आपके पास जो है नवंबर का डेटा भी आ रहा है और दिसंबर का डेटा भी आ रहा है। अब इसको आप क्लोज करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे, अभी हम इसको समझ लेते हैं। अब हमने बनाया था एक फॉर्म, सिंगल फॉर्म, जिसके ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो ये ऑप्शन आ रहे थे इसके साथ। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे होते हैं, देखो इनिशियल स्टेज में तो ये चीज हमें सही लगती है, लेकिन सोचे 500, 600, 800, 900 एडमिशन हो गए, फिर आप क्या करेंगे, ये नंबर तो बहुत अगर चले जाएंगे, तो फिर कोई ऐसा काम कर दो कि टेक्स्ट बॉक्स बना दो, ये नंबर डाल के सेंड कर लें बेटा, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं ये फॉर्म डेट टू डेट का, इसी के अंदर जाके मैं डिजाइन व्यू में खोल रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके एक यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, इस टेक्स्ट बॉक्स को जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बन गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे मैंने रखा और इसके साथ इसके फॉन्ट्स वगैरह के मामला को भी मैं देख लेता हूँ, फॉर्मेट पे गया, यहाँ से क्लिक किया, फॉन्ट को मैंने इसके 14 पे रख लिया और इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम डेट, ठीक है, और फिर इसका जो साइज है थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से और ये मुझे ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है, ये मेरा टेबल हो गया। अब उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं आया इसकी अरेंजेस में जाके, फॉर्म डिजाइन में जाके, प्रॉपर्टी शीट्स के अंदर और यहाँ पे फॉर्मेट में, हॉल के अंदर फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे चूज किया जनरल डेट का फॉर्मेट एंड देन क्लिक करके सेव कर दिया, सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये इस तरीके से मुझे नजर आने लग गया सेम्स के नीचे। और उसके बाद मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करने से पहले एक और काम कर लेता, चलो सेलेक्ट कर लेते इसको,
दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके फ्रॉम डेट से यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया टू डेट, ठीक है, यहाँ लिख दिया। और उसके बाद सिलेक्ट करके इसको यहाँ से मैंने अरेंजेस में जाके इसको स्टैक कर दिया, ठीक है, ताकि डेटा थोड़ा सा क्लियर नजर आए। इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका फॉन्ट साइज क्योंकि कम रह गया था, यहाँ से थोड़ा फॉन्ट साइज इंप्रूवाइज में डाला और यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा इसको बड़ा करा, लेकिन इसके फॉन्ट डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे ऑटो एडजस्टमेंट करा के देखते हैं तो शायद कोई फर्क पड़ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ से ठीक है और यहाँ से इसके साइज को भी सेट किया, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। उसके बाद सिलेक्ट करके इसकी जो सेटिंग्स है फॉन्ट्स की यहाँ पे से सेट कर दी और फॉन्ट को जो है थोड़ा सा इस तरह से चेंज करके यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे इसको हमने सेट कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेट होने के बाद ऐसे नजर आ रहा था एंड देन सेव करके कंट्रोल एस करके यहाँ से फॉर्म डिजाइन में जाके कमांड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और कमांड बटन बनाने से पहले अभी हमें सेट करना है कि ये होगा क्या, इससे पहले अभी हम जाके इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऑल पे जाएंगे, इसका नाम है टेक्स्ट 3, मैं चेंज कर रहा हूँ टेक्स्ट फ्रॉम डेट, फिर इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका नाम है टेक्स्ट 5, इसका नाम रख रहा हूँ टेक्स्ट 2 डेट, ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना, अब ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस भी बने हैं सिंगल फॉर्म के अंदर और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। सिमिलरली हम आज के लिए जो क्यूरी हम यूज करेंगे, जो एसक्यूएल की कमांड है वो यूज होगी ये वाली, यहाँ पे हम लिखेंगे बिटवीन एंड और बिटवीन और यहाँ जाएंगे टू डेट्स का यहाँ पे जिक्र करेंगे इसको, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, फ्रेम ये कमांड है, इस तरह से लिखी जाएगी, यहाँ पे पहली डेट आएगी, यहाँ पे दूसरी डेट आएगी, ठीक है। अगर ये ऐसे कमांड आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली कमांड क्या है, तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसके लिए मैं यहाँ गूगल पे आपको सर्च करके बताता हूँ, SQL SQL between क्लास, ठीक है, SQL between ऑपरेटर देंगे, ये हमें बता रहा है कि देखो ऐसे लिखेंगे इसको, टू नहीं आएगा यहाँ पे, एंड आएगा, ये कमांड इसकी, ठीक है। अब उसको यहाँ पे कैसे मेंशन करना है ये देखिए, अब चलते हैं हम क्यूरी के अंदर और जो क्यूरी हमने बनाई थी, क्योंकि क्यूरी के ऊपर ही रिपोर्ट बेस कर रही है, तो यहाँ से हम जाएंगे फी रिकॉर्ड डे टू डेट और यहाँ से जाएंगे उसके डिजाइन व्यू के अंदर और यहाँ पर आएंगे हम कहाँ पर, इस जगह पर, और यहाँ पर आके हम क्लिक करेंगे यहाँ पर नहीं, डेट ऑफ रिसीविंग पर आकर क्लिक करेंगे राइट, बिल्ड करेंगे यहाँ से और बिल्ड करने के बाद यहाँ पे कुछ डेट्स को हम लिखेंगे। तो मैं मैग्नीफायर जरा ऑन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे। मैग्नीफायर में आप देख सकेंगे इजीली कि हम इस पर क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ से अपने डेटाबेस में, डेटाबेस में आने के बाद आएंगे हम फॉर्म्स पे, फॉर्म्स में आने के बाद आएंगे हम ऑल फॉर्म्स पे, ऑल फॉर्म्स के नीचे हम खोलेंगे तो हमें यहाँ नजर आएगा वो फॉर्म जिसका नाम है सिंगल फॉर्म, क्लिक करेंगे उसके अंदर हमारे पास एक कंट्रोल मिलेगा टेक्स्ट फॉर्म, इसको यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट करके कॉपी, कॉपी करने के बाद नोटपैड पे जो हमने यहाँ टाइप कर रखा है उसके पहले वाले कंटेनर में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, बल्कि मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों भी आप ना लगाएं, यहीं पे पेस्ट करते हैं, ऑलरेडी इसके अंदर लगे हुए दोनों ब्रैकेट्स, ये लगा हुआ है और यहाँ पे एक लगा हुआ होगा फॉर्म्स बिटवीन के अंदर, सिंगल फॉर्म्स यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले में आपने क्या करना है, फिर इसको हटा देना है यहाँ से और इसको यहाँ पे हटा के फॉर्म ले लिया था, टू डेट वाला लेना है, कॉपी करना है यहाँ पे जाके और इसको हटा के यहाँ पे इस तरह से उसको भी पास कर देना है। ये पूरी कमांड आपकी बन जाएगी, इस तरीके से नजर आएगी आपको। और अब इस पूरी कमांड को यहाँ से आपने ऐसे कॉपी करना है, कॉपी और जाना है यहाँ पे और यहाँ पे पूरे पे इस तरह से कटा के जो पहला वाला था उसको रिमूव करके यहाँ पे इस तरह से पास कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देना है, इसको ओके कर देना है। तो ये पूरी की पूरी कमांड जो है यहाँ पे इस सेक्शन में लिखी हुई आ जाएगी। इसके बाद इसको क्यूरी को यहाँ से सेव कर दें एंड देन क्लोज कर दें। अब टेस्ट करते हैं क्यूरी को कि क्या काम कर रही है नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे पहली डेट डाल रहा हूँ 1/11/2024 और दूसरी डेट डाल रहा हूँ 30/11/2024। ओके करने पे डेटा आया तो है, लेकिन अगर आप नोट करें तो कौन से महीने का डेटा आया है, ओनली नवम्बर का। सो नाउ ये हमारा काम हो गया है। अब हम जाएंगे यहाँ से अपने फॉर्म के ऊपर, सिंगल फॉर्म पर, और यहाँ से हम जाएंगे इसके डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे
फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ से कमांड बटन बनाएंगे और कमांड बटन बना के हम उसको रखेंगे कहाँ पे, रिपोर्ट ऑपरेशंस पे, ओपन रिपोर्ट नेक्स्ट करेंगे। और अभी हमने रिपोर्ट जो बनाई थी फी रिपोर्ट डेट टू डेट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और इसको कहेंगे फेच, फिनिश करेंगे और इसको ओके कर देंगे। फेच करने के बाद हम इसको यहाँ पर इस वाले बटन्स को पकड़ के इसके साथ यहाँ पे लाके ऐड करेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं, अंडू कर रहा हूँ। पहले हम इसको लेके जाएंगे फॉर्म लेआउट के अंदर, ये आ गया फॉर्म लेआउट में, और यहाँ पर ले जाके हम इसके साथ इसको ऐड करेंगे, लेकिन ये इसके साथ ऐड हो नहीं पा रहा, इस तरह से हो रहा है, या फिर ये इसके साथ नीचे इस तरह से फैच होगा, ऐसे भी सही लग रहा है। कंट्रोल एस कर देंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, और फॉन्ट के साथ हम इसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करके इसको बड़ा कर लेते हैं, एंड देन इसको क्लोज कर देते हैं। अब खोलेंगे हम अपने सिंगल पी फॉर्म को, और यहाँ पे जाके दो डेट्स को चूज करेंगे, क्लिक करेंगे, सपोज टू बी 1st December टू अब तक के 5 December तक का डेटा हमें शो करें, फैच कर दिया। तो 1st December से कोई डेटा की एंट्री इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं, और फिर हम उसको कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि 1st November से और 30th November तक की 30th November तक के डेटा की एंट्री लेकर आओ। तो ये देखें सारे नवंबर की महीने की एंट्री ले आया। अभी इसमें हम थोड़ी सी एक और एंट्री डालते हैं दिसंबर की फी एंट्री फॉर्म के अंदर, तो यहाँ से हम चले गए फी एंट्री फॉर्म के अंदर। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से मैग्नीफायर से, और न्यू फ्यू पे क्लिक करके की का रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो न्यू फ्यू पे चले गए, यहाँ पर हमने कितनों के रिकॉर्ड डाले हैं, तो यहाँ पर सिंगल फी फॉर्म पे क्लिक करके हम यहाँ आ गए। यहाँ से रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड शो रिकॉर्ड करके देखा तो उसका कोई डेटा नहीं है, तो इसका ही एडमिशन और इसका रिकॉर्ड डालते हैं। क्लिक कर दिया इसको यहाँ से, और यहाँ से जाके न्यू पे क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट किया हमने इसको 5, क्लिक किया यहाँ पे इसका एडमिशन किया, क्लिक किया इसको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल किया, क्लिक किया 3500 इसकी फीस पैड करी, और यहाँ से रिसीवर्स टाइम में जाके यहाँ पे एडमिन एंड सेव कर दिया, सेव किया न्यू, और फिर जाके इसी का हमने मंथली रिकॉर्ड भी ऐड करना है। तो 5 दिसंबर में हमने इसकी फी टाइप मंथली पे करी, और यहाँ पे जाके इसका मंथ में हम दिसंबर 24 कर दिया, अमाउंट यहाँ पे 2500 कर दिया। यहाँ पे जाके रिसीवर्स पे क्लिक किया और प्रिंसिपल पे क्लिक करके सेव कर दिया, न्यू कर दिया। यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 4 सुनैना का भी हमने एक मंथली फीस का रिकॉर्ड एंटर किया, सेव कर दिया, क्लोज कर देते हैं। खोलते हैं सिंगल फॉर्म को और चूज करते हैं हम यहाँ पर दिसंबर को, दिसंबर के महीने की जो एंट्रीज थी वो यहाँ पे आ गई। लेटर ऑन हम इसके रिपोर्ट को थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे सेट करके, ताकि हमें डेटा जैसे देखना है वैसे नजर आ जाए। तो डेटा वैसे तो सही आ रहा है, लेकिन इसको कुछ डेटा को सेट करना पड़ेगा ताकि और बेहतर तरीके से आ जाए। तो अभी हम यहाँ से चले जाते हैं फॉर्मेट में लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद मैं इस सारे को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करें, मैंने सबको सेलेक्ट किया। अब लेआउट में आने के बाद, बल्कि डिजाइन व्यू में चलते हैं, डिजाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पर देखा मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं गया लेआउट के अंदर, यहाँ से मैंने इसको किया टैबलर, ये सेट हो गया। उसके बाद मैंने इनकी एंट्रीज को सेलेक्ट किया, रिसीव नंबर वाले को उसको भी कर दिया टैबलर, ये इसी के ऊपर आ जाएगा, उसको मैंने उठा के यहाँ से ऊपर ले जाकर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है। इसके बाद ये जो रिकॉर्ड है मेरा सेट नहीं आ रहा था, उसको भी मैंने कर दिया टैबलर, ये इस तरह से सेट हो गया। और अब जब मैं इसको टेबुलर करूंगा तो फिर ये थोड़ा सा और आगे पीछे खिसकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और इसको पकड़ के दोनों को एक साथ मूव करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसको कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ से इसको पकड़ के आगे मूव किया, तो ये तो मूव हो गया, वो मूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके दोनों को मूव करते, इसको यहाँ मूव कर दिया और इसको पकड़ के मैंने यहाँ से यहाँ पे मूव कर दिया, ताकि डेटा सारा का सारा एक दूसरे के नीचे और सीक्वेंस में नजर आए, तो ये नजर आ गया। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके मैंने इसको भी लेआउट कर दिया और टेबलर कर दिया, और ये इसकी भी हेडिंग्स को उठा के यहाँ से इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये देखा इस तरह से नजर आ रहा है। सेव करने पर
यहाँ पर आके मैंने इसके अमाउंट का जो है एक टोटल ले लिया, ताकि हर किसी का जो डेटा है वो अलग से टोटल होकर सम होकर नजर आए। तो सम करा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको ओपन ले लिया, ठीक है, सम कर दिया। यहाँ से क्लिक करके क्लोज कर दिया, क्लिक किया यहाँ पर, वापस फेच किया, तो यहाँ पर देखिए अब डेटा बिल्कुल क्लियर आ रहा है, 6000 इसकी फीस मिली है, 2500 मिली है टोटल फीस, नवंबर दिसंबर में अब तक मिली है 1500 रुपीस की, सही है। यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर आपने लिया सपोज टू बी नवंबर का रिकॉर्ड, क्लिक किया यहाँ पे, क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ से आपने लिया कि भाई ये नवंबर की लास्ट डेट तक का दिखाओ मुझे, तो क्लिक किया, फेच किया, तो कह रहा है कि भाई नवंबर में जो फीस मिली है वो जीशान की मिली है 6000, जतीन की मिली है 6000, और माधुरी की मिली है 3500, 6000, और टोटल फीस रिसीव हुई है 21,500 रुपये।